एक बार की बात है, जंगल में एक लोमड़ी थी जिसका नाम गुमाया था। वो कई दिनों से भूखी थी। चमकते सूरज की गर्मी तले लोमड़ी धीरे धीरे चल रही थी। भूख से मुंह में पानी आ रहा था। वाह, खाना मुझे चाहिए। कितने दिन हो गए खाना नहीं खाया। तभी उसकी नजर एक खरगोश पे पड़ती है जो बड़ी मस्ती से गाजर चबा रहा होता है। उसको लोमड़ी के पास होने का बिल्कुल पता नहीं होता। अरे खरगोश, ये मेरा खाना बन सकता है, सावधानी से काम लेना होगा। लोमड़ी झुक के धीरे से चलने लगती है और आगे जाके रेंगते हुए खरगोश के पास जाती है। झाड़ के पास छुप के खरगोश के पीछे खड़ी हो जाती है। खरगोश को आवाज आती है और वो इधर उधर देखने लगता है। अरे ये कैसी आवाज है? खरगोश उठता है और लोमड़ी झाड़ से बाहर आती है और खरगोश के पीछे अपने बदन को सिकोड़ कर खड़ी हो जाती है। खरगोश दाएं देखता है, लोमड़ी बाएं खिसक जाती है। खरगोश बाएं देखता है, लोमड़ी दाएं खिसक जाती है। खरगोश को शक होता है और वो मुड़ता है। लोमड़ी खरगोश पर आक्रमण करती है। खरगोश लोमड़ी के मुंह में दांतों के बीच गाजर अटका देता है। लोमड़ी फंसी हुई गाजर से संघर्ष करती है। उतने में खरगोश भाग जाता है। बड़ी कठिनाई के बाद लोमड़ी अपना मुंह बंद कर गाजर को तोड़कर गिरा देती है। मेरा मुंह, अरे रे। हारी हुई लोमड़ी धीरे धीरे चल के एक जगह पहुंच जाती है जो एक रणभूमि होती है। हथियार यहां वहां बिखरे होते हैं। खाने की खोज में लोमड़ी एक खाली मैदान पहुंच जाती है जहां कभी युद्ध हुआ था। गुमाया को युद्ध के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो खाना ढूंढने लगी। इतनी चीजें हैं यहाँ, मगर कोई ऐसी नहीं जो मैं खा सकूं। वो एक चमड़े की बेल्ट चबाने लगती है। छी, थू, क्या है ये? थू। थोड़ी देर आगे चल के वो और कमजोर हो जाती है और तुरंत चारों पांव फैला के जमीन पर सो जाती है। अचानक एक धड़ाम सी आवाज उसे जगा देती है। क्या है ये आवाज? कहां से आई? थम धड़ाम की आवाज से लोमड़ी भाग के झाड़ के पीछे छुप जाती है। धीरे धीरे झाड़ हटाकर लोमड़ी अपना सर बाहर निकालती है। आवाज के कम होने से उसका भय कम होता है और खुल के अपने बदन को फैलाकर दाएं बाएं देखती है और कुछ सूंघने लगती है। मुझे खाने की सुगंध आई, चटपटा खाना। सूंघते हुए वो एक नगाड़े के पास जाती है। फिर दिल में शंका आती है, पास जाकर फिर सूंघती है। फिर पूरे विश्वास होने पर छलांग नगाड़े के ऊपर लगाती है। धड़ाम धड़ाम आवाज आती है। फूट, फूट, पागल, फूट। तेजी से दौड़ के पेड़ के पीछे छुप जाती है। सांस फूल जाती है और हांफने लगती है। फिर धीरे से बाहर आके नगाड़े को देखती है।
सब कुछ शांत होता है। फिर धीरे से नगाड़े के पास जाती है। कौन हो तुम? इस जंगल में तुम्हारा क्या काम? नगाड़ा शांत होता है। जवाब दो, मैं आक्रमण करूंगी। नगाड़ा शांत होता है, गुस्सा होके फिर छलांग लगाती है, फिर धड़ाम धड़ाम की आवाज, और फिर वापस कूद जाती है। जैसे ही दौड़ने की तैयारी करती है, मुड़ के एक बार पीछे देखती है, फिर करीब जाती है और अपने पंजे से नगाड़े पर वार करती है, और वही धड़ाम की आवाज। ऐ, इस पे तो कोई भी चीज की धमक से आवाज आती है। फिर वो छलांग लगाती है और नगाड़ा पीटने लगती है। अचानक नगाड़ा हिलने डुलने लगता है और हिल डुल कर गिर जाता है। नगाड़ा घूमता हुआ गिरता है और लोमड़ी को तारे नजर आ जाते हैं। फिर लोमड़ी अपना सर हिलाकर काबू में आती है और देखती है कि नगाड़े के नीचे एक प्लेट है जिसपे मांस, चावल और कई तरह के भोजन रखे हैं। चटपटा, यम्मी। उसके मुंह में पानी आता है और वो भोजन का सेवन करके शांत हो जाती है। अगर मनोबल विशाल हो तो जो चाहो वो मिलता है। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।